दूर दराज आया किसान लोग सभा में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी का। प्रधान जी खड़े हैं उधर थोड़ी टाइम होगा। जनता खूब आ रही है, आप बिरजो चारों बारों जनता पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले से आज हुंकार रैली। कितने लोग आए, कितने लोगों की उम्मीद थी, कितने लोग आए और अब क्या ऐसे आगाज मारा जाए? अंदाज तो इसलिए नहीं लगा सकते कि ये 150-200 बीघा का जो मैदान है ये पूरा भर गया। 3-3 किलोमीटर तक लोग सड़कों तक बैठे, कई वर्षों से देख रहे, कई पेड़ों पर आया था, आप कहाँ से कहाँ जा रहे। तो कई लोग ट्रैफिक में भी अटक गए रात से, जैसे मैं आया था। अपने अपने साधनों से पूरे प्रदेश से लोग आए। इनमें 70 से 80% भीड़ तो बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर की थी और 20% बाकी जोधपुर, 20 से 25 जोधपुर, नागौर और आसपास के इलाके से लोग आए। लाखों की तादाद में युवा और किसान आए। 36 कौम के लोग आए, 36 कौम के नेता आए और अपने अपने साधनों से आए। तो विशालतम रैली है ये। नागौर की रैली जो सबसे बड़ी रैली थी 52 से लेकर आज तक, मैंने प्रधानमंत्री की रैलियाँ भी देखी है और ये इसने नागौर की रैली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। युवा करवट के मूड के अंदर है, युवा जमाना बदलेगा। और बीकानेर के अंदर 4 फरवरी को हमारी बड़ी रैली है, वो इससे ज़्यादा और बड़ी होगी। सीकर में करेंगे, फिर जयपुर के अंदर करेंगे। जयपुर से हम उससे पहले ही किसान का कर्जा माफ़ सरकार को करना होगा। कर्ज माफ़ी के साथ बिजली माफ़, ये वैकेंसी खोले, बेरोजगारी भत्ता दे, कानून का राज हो। और इन सब को लेके ये हमारा संघर्ष जन आंदोलन है। हम सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं लड़ रहे, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। 70 साल के अंदर आज इस किसान, गरीब, जवान और 36 कौम के लोगों को क्यों नहीं मिला? राजस्थान के सम्मान को वसुंधरा ने की ठेस पहुंचाई है। अपराधियों का अड्डा बढ़ गया राजस्थान, भ्रष्टाचार का अड्डा बढ़ गया। कांग्रेस बीजेपी की गोद के अंदर जाके बैठ गई, दोनों ने हाथ मिला लिया। इसलिए किसानों को हुंकार की आवश्यकता पड़ी, जवानों को हुंकार की आवश्यकता पड़ी। ये सफलतम विशाल रैली है। मोदी अगर इतनी रैली मेरी जितनी बड़ी कर दे तो मैं विधानसभा की सदस्य से इस्तीफा दे दूँ। सर हनुमान जी, 20 लाख जयपुर और 50 लाख दिल्ली, ये मीणा जी ने भी कहा और आपने भी कहा। ये दरअसल क्या है? घेराव, जयपुर का घेराव, जयपुर का घेराव। ये अभी जो हमारी मांगे है ना, कर्ज माफी, ये तो कर लेंगे, सरकार हो जाएगी दिल्ली। सर रिफाइनरी को लेकर अभी आपने लोगों से क्या मैसेज दिया? रिफाइनरी मतलब 2013 के अंदर जब शिलान्यास हुआ था तो 37,000 करोड़ का एमओयू हुआ। आज तो अभी एमओयू को सार्वजनिक भी नहीं किया। 6,000 करोड़ एक्स्ट्रा, 43,000 का एमओयू हुआ। उस समय भी 26% स्टेट की हिस्सेदारी थी। तो वसुंधरा को ये चाहिए था कि दिल्ली में इनकी सरकार है तो कम से कम 40% हिस्सा राजस्थान का रेवेन्यू, लेकिन 26 में समझौता किया तो फिर 6,000 करोड़ एक्स्ट्रा भी देने पड़े। 4 साल पहले अगर शिलान्यास हो जाता, शिलान्यास जो था, काम चालू करते तो 2 साल में रिफाइनरी बढ़ जाती, लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता। और पहले 22 के अंदर घोषणा कर दी, वहाँ लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो तो बर्बाद हो गया बेचारा, अपने जीवन की पूंजी लगा दी वहाँ पर। तो मेरी तो मांग है कि 2 रिफाइनरी होनी चाहिए और मुझे भी ये शिलान्यास ही करते हुए नजर आ रहे हैं। शिलान्यास वसुंधरा का तो कोई रहा नहीं, मैं आपको तो ये बना भी पाएंगे क्या? वहाँ पर मत जाओ। हाँ, ये क्या? वो झूठ का पुलिंदा नरेंद्र मोदी और वसुंधरा, इसलिए आप मत जाओ सर। आप वहाँ जाके उसकी संख्या भी दिखा रहे हो। ये लोगों की मांग है भाई के लोगों की कि इस बार वो आपको देखना चाहते हैं। हमारे भाई लड़ेंगे। आप बाड़मेर किसी विधानसभा से चुनाव? मैं थोड़ी लड़ूंगा, मैं तो खींवसर से लड़ूंगा। नहीं, जगह से भी लड़ सकते हैं। खींवसर से लड़ूंगा और कोई ज़्यादा बदमाशी अगर और राजस्थान में कहीं करा दे उसके सामने जाकर लड़ूंगा, मान लो हो जाए तो। इधर तो कोई मुझे इतना दिखा नहीं करना। तो आप 200 विधानसभा की 200 सीटों पर अपने प्रदेश उतारेंगे? बिल्कुल, अभी हमारा मामला जन आंदोलन के जरिए नहीं, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों को लेकर के हम जयपुर पहुंचेंगे और जिस दिन जयपुर ये युवाओं का जोश और जुनून रहेगा तो मोर्चे की घोषणा भी हो जाएगी पार्टी में। सर, आज के टाइम में किसानों का क्या हाल है? किसान मरे सब, आत्महत्या करें, कुछ भी नहीं किसान का। किसान तो अपना बच्चे को एक मतलब अच्छी स्कूल में पढ़ाई भी नहीं दिला सकता, इलाज नहीं करा सकता। हम तो देखते हैं रोज की स्थितियाँ हैं और ये क्यों हुआ, इसका कारण सरकार है। प्रदेश को सिंचित क्षेत्र बढ़ा देना, बढ़ा दे सारा। सर, कर्ज माफी को लेकर आपकी क्या मांग? पूरा कर्जा माफ, 82,000 करोड़। हमारी मांग वो नहीं है कि लोग 50,000 रुपये का कर्जे की बात करते हैं। आप पूरी शुरू से पूरी कर्ज माफी की बात। आप हम 2018 के अंदर नए रूप के अंदर आएंगे, हम जनता को धोखा नहीं दे सकते। दूसरे नेताओं की रोशता कोई दूसरे ओर चले जाएंगे। मैं कहता हूँ अनुमान बने वाले 2018 के अंदर नए विकल्प को लेकर राजस्थान